आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपने चुनावी प्रचार अभियान को तेज करते हुए और अपने कांग्रेस परिवार का कुनबा बढ़ाने के लिए डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत की है और इसी को लेकर बुराड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुराड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन, पूर्व सांसद जगदीश टाइटलर, दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष जयकिशन सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में मृत पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही पर जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने विशेष तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने दिल्ली को रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल और शराब नगरी जैसी संज्ञा देते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार पर जमकर तंज कसा। जो कि पूरी तरह से डिजिटलाइज है और पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूँ वेरीफाइड मेंबरशिप पे हम काम कर रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, 14,000 लगभग बूथ हैं, 11,500 हमारे एनरोलर्स बन गए जो घर घर जाकर के कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता केवल मेंबरशिप नहीं बल्कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी जनता से बातचीत कर रहा है, उनका समर्थन पा रहे हैं। जब उनसे बात करते हैं तो स्वाभाविक है वो अपना समर्थन कांग्रेस से जुड़ करके दिखा रहे हैं। इसीलिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला सम्मेलन तक करावल नगर के अंदर हम यहाँ आए हैं। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने एनरोलर से हमने बात की है जो मेंबर बना रहे हैं। आपने देखा हमने कुछ साथियों को सम्मानित भी किया है जो दिन रात जा जाकर के बूथ पे काम करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कांग्रेस को निगम चुनाव में मजबूती देने का भी प्रण लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने दिल्ली दंगे के हादसे को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में दिल्ली में अमन और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों को धत्ता बताते हुए केजरीवाल जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जिस उम्र में युवाओं को वोट देने का अधिकार कांग्रेस ने दिया, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम कर रही है। वहीं महिला अध्यक्ष अमृता धवन ने भी भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि दिल्ली की जनता दोनों ही सरकार से त्रस्त हो चुकी है। वहीं महिला कार्यकर्ता पर अमृता धवन ने कहा कि कांग्रेस का ये नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वर्ग के लोगों को आगे लेकर चलने का काम करती है। आप चाहते हैं, दिल्ली के लोग भाजपा से भी परेशान है, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की जो मिस गवर्नेंस है उन्होंने 7 साल में देखा कि किस तरीके से महिलाओं से जुड़ी हुई हर योजनाओं को ठप करके बैठे हैं केजरीवाल। तो आज ये समय है कि इन दोनों सरकारों से सवाल किया जाए और निगम के अंदर वापस कांग्रेस के लोग पहुँचे। हम बुराड़ी में खड़े हैं और ये हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ जाना गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस इस पूरे जिले में और इस विधानसभा में वापस कांग्रेस को राजनीति में सिर्फ इसलिए मौका नहीं देते कि हमें उनको वहाँ बिठाना है, हम इसलिए मौका देते हैं क्योंकि हमें उनको आगे बढ़ाना है। और प्रियंका गांधी जी का जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली तक इसने अपने जो है पर फैलाए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में आज महिलाएं इस नारे से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव के लिए सभी पार्टियों की ओर से चुनाव भी तैयारियां शुरू कर दी है। उसी के बीच कांग्रेस पार्टी भी अपनी खोई हुई जमीन को दिल्ली में तलाशने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से आज चुनावी आगाज किया गया है उसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कितने तैयार हैं और किस तरह से दिल्ली में अपनी खोई जमीन को मजबूत करेंगे और निगम चुनाव में कितनी सीटों के साथ प्रवेश करेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।